उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह व एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह ने संयुक्त रूप से गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के गोरखपुर विश्वविद्यालय के स्ट्रांग रूम के समक्ष मतगणना ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों के साथ बैठक की, जिसके संबंध में उप निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि गुरुवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य भवन में गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के वोटों की सुबह 8 बजे से मतगणना की जाएगी। इसलिए प्रत्याशी व एजेंट विश्वविद्यालय के मुख्य गेट से ही प्रवेश करें और अपनी गाड़ी मुख्य द्वार के सामने बने पार्क में खड़ा करें और कोई भी व्यक्ति मतगणना स्थल पर मोबाइल लेकर ना आए, जो कि मतगणना कार्मिकों पर लागू होगा। उन्होंने कहा कि पूरी मतगणना सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में संपन्न होगी, इसलिए सभी कार्मिक सुबह 6 बजे मतगणना स्थल पर आ जाएं। इस अवसर पर एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह, सीओ खजनी अनिल सिंह, सीओ ट्रैफिक जयप्रकाश सिंह, रामगढ़ताल थाना प्रभारी सुधीर कुमार सिंह, गुलेरिया थाना प्रभारी मनोज कुमार पांडे, एएचटी प्रभारी जयशंकर चौबे सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, मतगणना ड्यूटी की संपूर्ण प्रभारी है एसपी ग्रैंड मैडम, एसपी ग्रैंड मैडम को मालूम होता है कि प्रभारी है सीओ ट्रैफिक जयप्रकाश सिंह, उनके सहयोगी है इंस्पेक्टर रामप्रसाद, स्पेशल शिफ्ट का टाइम सुबह 6 से 6 बजे तक है और द्वितीय शिफ्ट का टाइम शाम को 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक। रात की शिफ्ट में श्री अनिल कुमार पांडे सीओ गए और सुरेंद्र चौबे आए हुए निरीक्षक और श्री संजय कुमार जी डीसी आर्मी प्रभारी। संजय कुमार जी नहीं है, जिला कार्यक्रम में पहली शिफ्ट में श्री योगेंद्र सिंह सीओ गए और श्री कल्याण सिंह सारा आपके प्रभारी है। आउटर कार्य की व्यवस्था काउंटिंग में लगभग 48 घंटे का समय लगेगा और काउंटिंग अनवरत चलेगी। कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग प्रारंभ होगी, लेकिन सभी लोग अपनी ड्यूटी 7 बजे संभाल लेंगे, हमारे कार्मिक लोग और बाकी जैसे हम जैसे लोग हैं, हम लोग लगभग 6 बजे यहाँ आ जाएंगे। और 24 घंटे होंगे तो 400-500 लोग होंगे, परंतु 4-5 लोग ही हैं जिनके एजेंट बन पाए। अभी जब हमारी एजेंट लोगों को मिल ही नहीं है तो मैक्सिमम 500 लोग आएंगे या 200 लोग आएंगे, इतने ही लोग आएंगे। यहाँ हमारी केवल कराई है कि जो व्यक्ति यहाँ प्रवेश कर रहा हो उसके पास मोबाइल ना हो, समस्या नहीं। मोबाइल में केवल इसलिए होते हैं कि किसी मतपत्र का फोटो लेकर के बाहर ला दे। तो जो हमारा ये पोस्टर है ये दोनों वाला जो जहाँ यहाँ ड्यूटी और यहाँ वो वहीं पे अपनी गाड़ी में रखते हैं या आसपास अधिकारियों की गाड़ियाँ होंगी उन गाड़ियों में रखवा दें। हम उसका झंझट नहीं ले रहे हैं कि साहब हम मोबाइल जमा कराने की कोई व्यवस्था करेंगे, जो लेकर के आ गया है वो कहीं जाकर के फिर उसको वापस कर दें। इस एरिया में उस एरिया में और ये जो पुस्तक है इसमें नॉर्मली मोबाइल अनुमान्य नहीं होगा, लेकिन कोई अगर अधिकारी है इसलिए उससे कम्युनिकेशन रहेगा। अधिकारियों में आपके जितने रक्षी अफसर हैं, आपके इंस्पेक्टर साहबान हैं, कहीं ना कहीं उनसे फोन से कम्युनिकेशन रहता है और वो सब जिम्मेदार लोग हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी मतपत्र का फोटो नहीं खींचेगा। अब चूंकि बरसात की संभावना है तो ये सामने हम थर्मल हैंगर लगवा रहे हैं, उधर भी अगर थर्मल हैंगर लगवा रहे हैं और सामने दो पकौड़े होंगे। अधिकारियों में जो लोग आएंगे यहाँ कमिश्नर साहब रहेंगे, जिलाधिकारी लोग होंगे और एक दो जिलों के और एडिशनल एडीएम साहबान होंगे और एडिशनल कमिश्नर साहबान होंगे। हम लगभग जैसे कल सुबह गैर भी कर दे रहा हूँ, अगर कहीं पर गैर केवल इतना है, एक छोटी सी बात हो रही है, एक लड़की थी प्रियंका सिंह, उसका नाम मतपत्र में प्रीति सिंह लिखा था। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस और डिप्टी डीओ गोरखपुर हूँ। कल यहाँ पर अर्थात 2 फरवरी के प्रातःकाल से मतगणना प्रारंभ होगी। मेरा अनुरोध है उन लोगों से जो इस स्थल पर आ रहे होंगे, माननीय प्रत्याशीगण, उनके एजेंट साहबान, तो वो विश्वविद्यालय के मुख्य गेट से प्रवेश करेंगे। उनकी गाड़ियां ठीक सामने जो पार्क है उसी में पार्क होगी।
किसी को भी यहाँ जो हमारा मतगणना स्थल है, मेरा अनुरोध है कि यहाँ वो मोबाइल लेकर के ना आएँ। अगर बाई दी वे घर से मोबाइल लेकर के चलते हैं तो अपनी गाड़ियों में ही रख लें। ये मतगणना जो हमारे कार्मिक हैं या मतगणना एजेंट हैं, ये सभी पर ये लागू रहेगा। मेरा अनुरोध है कि वो सुबह 6 से 7 बजे के बीच प्रवेश कर लें, समय से आ जाएँ, जिससे हम लोग समय से मतगणना का कार्य प्रारंभ कर सकें। CCTV लगा के क्या? हाँ, आप ये आप देख रहे हैं मतगणना स्थल पर हम लोग जर्मन हैंगर भी लगा रहे हैं, जिससे मौसम थोड़ा सा इस प्रकार का है कि वर्षा हो सकती है, तो यहाँ पर सभी लोग CCTV की नज़र में रहेंगे।